थाईलैंड एशिया के कई देशों की तरह एक विकसित देश है। 20 साल पहले मैं नौकरी की तलाश में बैंकॉक आया था। इस महानगर ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। यहाँ बड़े सपनों को पूरा करने का रास्ता मिला है। पिछले 2 महीनों के हिसाब किताब से इंडियन रुपए के हिसाब से मेरी दौलत 880 करोड़ है। वाओ। मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। राम मोहन और उसके रोमांस की ये कहानी है। इतनी तकलीफ उठाकर आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, ये कोई यकीन नहीं करेगा, कभी नहीं। Hey Peter. Hi Suzanne. How are you, man? Yeah, I'm fine. How are you? Good. Hey, where is Ram? I think he's... I think somewhere there. Okay, I'll find out. Hi, Ram. Susan. Where were you? I've been trying to reach you all these days. I was busy. Lots of work. Susan, मुझे तुमसे काम के बारे में कुछ डिस्कस करना था। You can wait in my office. I'll join you. Okay. Hmm. ये है Susan. My, what should I say? मेरी किस्मत का एक हिस्सा है और मुझे अच्छे से समझती है। ये बहुत काम की चीज है। Hey Peter. How's the occupancy, man? Around 50%, sir. You know, I don't like this is a round kind of stuff. Tell me the exact percentage. Let me check, sir. It's bad, Peter. The occupancy as well as your efficiency. Guess you can improve both. Okay, sir. आप ये सब जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब देखा हुआ है। मैं एक गांव का आदमी था, यहाँ आकर मैंने इतनी तरक्की की। ये दौलत मेरे हाथ से कभी भी फिसल सकती है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो आप मानेंगे क्या? But you'll have to believe it. भाग्य और मेरे काम का तालमेल बिगड़े हुए पूरे 19 महीने हो चुके हैं। And I am in deep mess. मुझ जैसे इंसान के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं और पहला रास्ता मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन अगर मैं मर गया तो लोग मेरे बारे में बातें फैलाएंगे। मरने के बाद भी लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जो दूसरा रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा असमंजस भरा है। आज जो मैं इस ऊंचाई पर पहुंचा हूं, वो सिर्फ मेरा भाग्य ही नहीं बल्कि मेरी कड़ी मेहनत और मेरा बिजनेस में बहुत ही तेज दिमाग। मैं फिर से उसी तेज दिमाग को आजमाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। शुरू में आपको ये थोड़ा गलत लगेगा, लेकिन अंत में आप मेरा ही साथ देंगे, यकीन से कह सकता हूँ। राम, where are you, man? I'm tired of waiting for you. Sorry, lots of work. Now let's finish ours, get my ticket to India tomorrow. India? Yep, India. Cochin, to be precise. May I help you? आप लोगों को किससे मिलना है? ये शावी। वो मोटू बैठा है ना, उससे जाके पूछो। ये शावी। अरे वाह शावी, वो मेरी बाइक लेकर उसके ऊपर बैठ कर सवारी करेगा, बस इतना ही काफी नहीं है? किस्त भी भरनी पड़ती है, फिर भी मैं आप लोगों को मान गया हूँ। जब मैं आप लोगों की बाइक को उठाने जा रहा हूँ, ये जानकर आप लोग खुद यहाँ चाबी देने आ गए। चाबी मुझे दो, हम लोग यहाँ शावी से मिलने आए हैं, उससे काम करवाना है। ये देखो, यही वो लड़का है। पैसे की कोई फिक्र नहीं, पूरा खर्च करेंगे। अरे ढूंढ कर काम देने के लिए सरकार हो जो जनता की सेवा करने के लिए आयो। सीधे बताओ कि काम कहाँ है और कब करना है। इस महीने 22 तारीख को। 22 तारीख को? हाँ।
22 तारीख को तो बिल्कुल नहीं होगा, उस दिन इंडोर स्टेडियम में शादी है, लेकिन 26 तारीख को फ्री है, उस दिन चलेगा ना? हाँ ठीक है। तो फिर एडवांस का पैसा काउंटर पे जमा करो और रसीद लेकर यहाँ से फुट लो। मणि अपन सुनो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अरे आज मेरी शूटिंग है ना। शूटिंग है? हाँ, तुम जानते हो मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ। आज सलमान खान के साथ हमारी शादी वाला सीन है। हम 50 रिच गर्ल्स शादी के सेटअप में जाने वाले हैं, समझा ना? मैं सिर्फ ये बात जानने के लिए पूछ रहा हूँ, रिच गर्ल्स का मतलब सच में क्या होता है, बताओ ना। ये सवाल तुम घर जाकर अपनी बीवी से पूछना। अब तो ये अकाउंटेंट भी चली गई, तुरंत पैसे निकालो, मुझे घर जाकर बहुत सारे काम करने हैं। पैसे निकालो निकालो। इतना चलेगा ना? अरे मेरे भाई चलेगा ही नहीं, ये दौड़ेगा। अब काम हो गया, जाओ यहाँ से। फिर भी अगर शावी से मिला देते तो? नहीं मिल सकते, शावी अभी एक चर्च में बहुत इम्पोर्टेंट शादी अटेंड कर रहा है। ओ जीसस परमपिता, यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं, वो और जॉन बाइन की तरफ से उन दोनों का मिलन अच्छे से हो जाए, उसके लिए यहाँ वो सब गॉड से प्रार्थना करने आए हैं। उन दोनों की शादी को लेकर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, जीसस इसे स्वीकार करें। तो जॉन बोन आप यहाँ हैं और आपके साथ यहाँ खड़ी हैं आइनस, तो क्या आपको इनके साथ दिल से शादी करना मंजूर है? मुझे मंजूर है। इस चर्च के नियमों के मुताबिक शादी करने के लिए आपके साथ जॉन बोन खड़े हैं, तो क्या आप इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? बोलिए। कहिए मंजूर है? मंजूर नहीं है। आइनस को मंजूर नहीं है फादर, बिकॉज शी इज इन लव। ये प्यार करता है? हाँ फादर। इन दोनों के बीच पिछले 4 साल से गहरा रिश्ता है। अब आप ही बताओ फादर, आइनस और इसकी शादी कैसे होगी? बीच में बोलने वाला, कुछ गड़बड़ मत करना यहाँ, तो मेरे बारे में जानता नहीं। मैं जानता हूँ सर, आप आइनस के फादर है ना, सर पर टोपी लगाने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पॉल एडलिन सर। मेरी बात को जरा सोच कर देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कर रहा हूँ। अब आइनस की मंजूरी के बिना ये शादी हो नहीं सकती। तेरी इतनी हिम्मत? तुझे तो मैं बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। भैया इसे छोड़ दीजिए, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। वाह, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों टेंशन लेना? फादर, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। सुनो पॉल, ये शादी नहीं हो सकती, हमें ये सब खारिज करना होगा। सुनिए फादर, कल थोड़ा फ्री रहिएगा, कल इसे दफनाना है। अरे शावी, वो जो लड़की बाज है उससे हमने दुश्मनी मोल ली है, हम उसे निपट पाएंगे क्या? उन दोनों का मामला सुलझाने के लिए हमने वादा किया था, जीवन भर के लिए गारंटी थोड़े ना दिया है। अपने काम के पैसे ले लिए क्या? हाँ ले लिए, खर्च करने के बाद जो पैसे बचे उनसे पार्टी करने जा रहे हैं हम लोग। अभी पार्टी तुम्हें हम देंगे, चलेगा ना? खुशी की बात है। देखो शावी, ये मुझे मार रहे, तुम देख रहे हो?
बेटा कल अंकल का फोन आया था, उन्होंने तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ के रखा है। मम्मा मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ उसमें क्या तकलीफ है? मैं जानती हूँ तुम बहुत टेंशन में हो। जब तुम मुझसे दूर हो जाएगी तभी मुझे टेंशन होगा, समझी तू? ओए सुन, वेल्यूर में तुमने जिसको मारा था उस केस में पकड़ने के लिए लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे मम्मा खड़ी है, मम्मी को भी बोलना है क्या? अरे वो कोई और लोग होंगे, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सच कह रहा हूँ मानो, जिनके हाथ पैर टूटे थे वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शावी ये क्या बोल रहा है? यू नो दिस मम्मा, ये कुछ भी बकता रहता है। आप चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आ। बेवकूफ, वहाँ खड़ी तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पता किस काम से आया? तुम्हें अर्जेंट पुलिस स्टेशन जाना होगा, तुमने जिसे मारा था वो अभी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। ये शायद उस असिस्टेंट कमिश्नर का ही काम होगा, कोर्ट से जमानत मिलनी भी मुश्किल ही है। एक काम करते हैं, उस लंगड़े वकील को लेकर चलते हैं। क्या बात है सर, ये केस तो हमने पहले ही सेटल कर दिया था। ठीक कह रहा है, मैंने सेटल किया था। देखिए ये केस अब दूसरे के हाथ में चला गया और ऊपर से बहुत बड़ा दबाव भी है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वैसे तुम्हारे और असिस्टेंट कमिश्नर के बीच में लफड़ा क्या है? एक मिनट सर, वकील साहब जरा इधर आओ। अब हम क्या कर सकते हैं? वैसे मुझे लग रहा है वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तब देख लेते हैं। कम से कम एक हफ्ता अंदर रहोगे। अगर किसी के हाथ पैर तोड़ेंगे तो जमानत मिल जाएगी क्या? क्या जमानत? अरे पूरी बात तो सुनो, मैं जिसके हाथ पैर तोड़ने वाला हूँ वो तू है। सर जी तो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है वकील। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा, इसके लिए कुछ तो करना होगा ना। वही मैं भी सोच रहा हूँ। Don't be so desperate, dude. मुश्किल से बचने का रास्ता होता है, Never ever give up. इसे जानते हो क्या तुम? नहीं। मुझे लगता है तुमने जिसकी शादी में टांग अड़ाया था ना, शायद उसका ही रिश्तेदार होगा अमेरिका से। तुझे कैसे पता? फ्रेंच में उसने बात की ना। तो चुप कर, जमानत करवा के तुम्हें मारने की सोच रहा है, इसे मना कर दो। जरा चुप रहेगा तू? सर सुन रहे? कॉल फ्रॉम द टॉप। हेलो सर। ओके सर, ठीक है सर। तो मैं इन लोगों को लेके जाऊं? हाँ जी ले जाइए। थैंक यू सर। चाय पियेंगे क्या? मैं चाय नहीं पीता, इसके लिए माफी चाहता हूं। शावी चलो। आप कौन है सर? आपका इरादा क्या है? हमें मारने के लिए ले जा रहे हैं क्या? मणि तुम्हें डर लग रहा है क्या? भाई ये तो हमारा नाम भी जानता है, मारे गए। शावी को बचाने आया था यहाँ और खुद के लिए मदद मांगने भी। अच्छा तो कोटेशन देने के लिए आए हैं आप, हाथ काटने का अलग और पैर काटने का अलग। एक सिगरेट का पैकेट लाकर दोगे क्या? आप पैसे दोगे क्या? ये लो एक पैकेट। वैसे पैसे लौटाने की मेरी आदत नहीं है। नहीं चाहिए, खुद ही रख लो। थैंक यू। वो जाली नोट है। तुम एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो शावी, चंद पैसों के लिए गुंडागर्दी करते हो और उसके बाद बहुत ही सफाई से सारे मामलों से निकल जाते हो। अ स्मॉल टाइम ठग हु नेवर क्रॉसेस द बॉर्डर लाइन। पुलिस में मेरे बहुत सारे आदमी हैं, दो नॉट इन द टॉप ब्रास, इसलिए अब तक तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। शायद इसीलिए तुम्हारी माँ नहीं जानती कि तुम एक सड़क छाप गुंडे हो। उन्हें इसका पता ना चले इसका भी तुम बड़ा ख्याल रखते हो, है ना? शी इज द ओनली वन होम यू रियली केयर फॉर। शावी तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, अगर सच कहूँ तो एक कोटेशन, और इस काम के बदले मैं तुम्हें दूंगा $300,000, रफली 1.5 करोड़ रुपए। व्हाट डू यू से? मुझे क्या करना होगा? सिंपल, एक आदमी को मारना होगा। यू मीन दैट इज सिंपल? हाँ शावी, काम हमेशा सिंपल होता है, उसे कॉम्प्लेक्स करने वाला इंसान का दिल होता है। इंसान जिस काम को जितना सोचेगा वो काम उतना ही होगा,
और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। I'll take you to my place, Bangkok. जो काम बोला गया उसे जैसे ही तुम खत्म करोगे, पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर, साथ में यहाँ आने का रिटर्न टिकट भी। It's gonna be an absolutely simple job. ये नहीं होगा सर। होगा, क्योंकि तुम्हारे नाम पर केसेस दर्ज हैं और तुम्हारी माँ को इसका पता न चले, इसलिए होगा। तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसा भी मिल रहा 1.5 करोड़। So if no choice, this is my card. We'll meet in Bangkok next week. Till then, take care. हेलो। हाँ, उस पंचायत ऑफिस की जमीन के बारे में कह रहे हो ना? अरे उस जगह पे घर कहाँ बन सकता है? अरे उस जगह पे घर बना के बेचने लायक ही नहीं है। अरे तुम फोन रखो और अपना काम करो। ऐसे आदमियों के ऊपर ट्रक चढ़ा के कुचल देना चाहिए। हाँ, ये कुल मिला के 2.5 एकड़ होगी। बीएल के लोग आके चेक करके गए हैं, उन लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई, लेकिन एक शब्द की वजह से डील नहीं हो पाई। वो क्या था? मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको ये जगह चाहिए तो आपको 2 लाख टोकन देना होगा। तो इतने में उनका एक आदमी कहा कि 2 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सुनते ही मेरे बॉस का दिमाग गर्म हो गया। मेरे बॉस ने कहा 2 लाख रुपए देने में उसका दिमाग आगे पीछे कर रहा है, तो ये 20-30 लाख रुपए का बिजनेस कैसे करेगा, इसीलिए उसको वापस लौटा दिया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? वैसे हम लोग टोकन लाए हैं। आप लोगों को देखते ही मैं समझ गया था, आप लोग बहुत समझदार हैं। हाँ जानते हैं, हम समझदार हैं। लेकिन आपके बॉस यहाँ आते कब हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता। परसों जब मैंने उन्हें फोन किया था तो बोले अमेरिका में हैं। आज यहाँ बॉस क्लब में हैं। कब वो कहाँ रहते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब आपका फोन आया तो मैंने उनको आपके बारे में बता दिया था। अगर आपको जगह और डील पसंद है तो हम ऑफिस में जाके फुर्सत से एग्रीमेंट बना लेंगे। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, बॉस खुद आ गए। नमस्कार, आइए आइए। बॉस यही वो लोग हैं जो इस जगह को खरीदना चाहते हैं। Hey, I'm Prem. Hello. So, you like this piece of shit? हाँ, हमें बहुत पसंद आई। Then it's a deal. बालू, इन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना। वो मैं दे दूंगा। See, सिटी में मेरे पास बहुत जगह है और ये जगह मेरे पापा ने US से कमा कर खरीदी है। अगर इसके अच्छे पैसे मिले तो मैं इसे बेचने को तैयार हूँ। अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। What do you say, dude? टोकन रेडी है सर। चेक इन कैश? सॉरी, कैश में लेता नहीं हूँ। Transactions सारे only with bank. I believe in white money. Please excuse me. We'll do one thing. You have net banking, I suppose. Sure. Yeah. All right. Transfer the money to my account. I'll give you the details. My account details. Okay. What's up? कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। लाउजी कनेक्टिविटी। ओह नो, इस देश का यही प्रॉब्लम है। अगर US होता तो वाओ। बालू, तुम एक काम करो। इनसे 2 लाख रुपए लो और इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो। और उस 2 लाख रुपए से मेरे फरारी की टायर बदलना। ओके, आई सी यू गाइस। देखा ना, शेर है शेर। बालू कहाँ है तू? मैं तुम्हारी फरारी गाड़ी का टायर बदल रहा हूँ। सरकारी जमीन लोगों को दिखाकर बेचने वालों में तेरे जैसा पहला ब्रोकर देख रहा हूँ, और तेरे जैसे का बॉस मैं। सुबह होने तक पुलिस नहीं आई तो ठीक है। घबरा मत, वो लोग किसी को कुछ नहीं बताने वाले। वो कैसे? कॉन्टिनेंटल ग्रुप। जिस प्रॉपर्टी की डील वो कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चेक करते हैं वो लोग। इतनी भी समझ नहीं है। और वो लोग रियलिटी शो का काम करके उस जगह से 1 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। चलो जो भी है, हमने अपने 2 लाख तो कमा लिए। 2 लाख? हाँ। सुबह में जो तुमने उन लोगों से अपने फेक अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे उसका क्या? अरे वो, हाँ, इसका मतलब हमारे पास 4 लाख रुपए। चल अच्छा है, छोटा पैक बना, छोटा पैक। आजकल सरकार को सेक्स देकर 150 रुपए की दारू 200 रुपए में मिलती है। अरे पागल, सेक्स नहीं सेस। सेस हो या सेक्स, इसका कलर बहुत बढ़िया है। चीयर्स। आईडी कार्ड। वो फोटो में थोड़ा मोटा हूं ना, अभी थोड़ा पतला हो गया हूं, यू नो, ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड। पीटर डेविड पॉलकर्ड।
ये डेविड तुम्हारे पापा का नाम है? हाँ, पापा का नाम है, ये तो सभी जानते हैं। फिर ये पोलक्कड़? पोलक्कड़ एक बहुत ही दिलचस्प गांव है और मैं उस गांव का हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे तो सब लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, इसमें साइन कर दो अब। Can I have a pen, please? प्रेम, sure. प्रेम? प्रेम? किसका प्रेम? मैं किसी प्रेम को नहीं जानता। हाँ, अरे मेरी, तुम जरा चुप रहो, उन लोगों से कह दो कि पलक्कड़ वाला उनके झांसे में नहीं आने वाला। अरे पालू, तू अभी बाहर जा, बीच में इंटरफियर मत कर, बीच में इंटरफियर मत कर, जा। चाहता है कि सॉरी सर, आजकल मुश्किल बढ़ती जा रही है, पीटर के नाम से साइन करता हूँ। फॉर्जरी, चीटिंग, इंपर्सनेशन, ऐसे कई चार्जेस तुम पर हैं। हम बाहर जाकर प्यार से बात कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, चलो। तुम्हें पहले बताने नहीं हुआ? मैं यही बताने आया था, देखो जब तुम्हें ज्यादा मार पड़े तो मेरा नाम मत लेना। गुड बाय। हेलो, अच्छा उस पंचायत ऑफिस की जमीन के बारे में बात करो। कितना टाइम हो गया है, पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर मुझे यहाँ लेकर आए और अभी तक एक शब्द नहीं बोला। देख तो ऐसे रहे जैसे मैं कोई फिल्म का सुपरस्टार हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओके। प्रेम, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा अगला फ्रॉड प्लान क्या है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा किसने कहा? पता नहीं तुम पर कितने सारे चार्जेस हैं और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छुड़ा कर लाया हूँ तो एक बात तो साफ है, दैट शोज यू आर प्रीटी मच माय बिजनेस ड्यूड। क्या चाहते हो तुम? मेरे लिए काम करना होगा। तुम फ्रॉड करने में माहिर हो ना, मैं तुम्हें एक जैकपॉट ऑफर देता हूँ। कितना? $300,000, व्हिच मींस 1.5 करोड़ रुपए। किसी को मारना है क्या? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से किसी की मौत का कोटेशन दिखाई दे रहा है। काफी होशियार हो तुम। लिसन, बिना सवाल जवाब के मेरी बात सुनो। बैंकॉक में काम होने के बाद मेरे कहे मुताबिक तुम्हें पैसा मिल जाएगा और रिटर्न टिकट भी। इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किसी को मारने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल मुझ में नहीं है। समझ गया। वेरी कूल, कैलकुलेटिंग रेडीनेस काफी है। होमवर्क करने के बाद इस काम के लिए मैंने तुम्हें पिक किया है। तुम इंटेलिजेंट हो ये मुझे पता है, थोड़े सेंटिमेंटल फूल भी, एंड नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। बिना कोई सबूत छोड़े किसी को शक न हो ऐसे एक इंसान को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उठाना है। इसके लिए तुम्हारे जैसे स्मूथ लड़के की जरूरत है। यू हैव ब्रेन्स एंड बॉल्स टू। कैन वी हैव अ ड्रिंक? नो, अभी हम दोनों इतने करीब नहीं हुए, हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। गो गेट योरसेल्फ मोर देन अ ड्रिंक। फॉर यू। तो तुमने उन दोनों को ट्रैप कर लिया। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। दो हाफ बॉल क्रिमिनल्स को रिक्रूट करके तुम्हारे हवाले कर दिया है। हाँ, लेकिन ये जो तुम्हारा एलाबोरेट प्लान है ना, उससे मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हूं। संभल कर रहा ना, किसी को बताए बिना प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला ऑपरेशन मुश्किल भी हो सकता है। इट्स अ रॉन्ग मूव, मुझे ऐसा लगता है। आई नो पॉल, आई नो, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गुड लक टू यू। लेकिन ये शावी और प्रेम बहुत ही घटिया केस है। दरअसल दोनों ही पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं। उन दोनों का यहाँ रहना मेरे लिए सिरदर्द है। और वो शावी है ना, जितनी जल्दी हो सके उसका काम निपटा दो। सो इट्स गुड रिटर्न फॉर मी। कल ही जा रहे हो ना तुम? काम तुम्हारे हिसाब से हो जाए। सी यू सून। Not sure, Paul, but thanks. Thanks for everything. Don't say that. I owe you a lot. Good luck. And handle them with care. I will. Maniappa, gaadi ready hai na?
आपको क्या हो गया मामा? आप ही तो कहती थी कि बाहर जाकर पैसा कमाना चाहिए। माँ ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, सीरियसली बहुत अच्छा जॉब है। मणि तुम कहो ना, कम ऑन गेट अप गिव मी अ स्माइल, गुड। सुनो तुम यहाँ हर रोज आना और माँ के काम में मदद करना। तो फिर मेरा काम कौन करेगा? अब तो मैं निकलूं? क्या बच्चे की तरह रो रहा है? अरे पहले तुम मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। सॉरी यार सॉरी। वहां पहुंच के तुझे फोन करता हूँ, सेटल होते ही तुझे भी बुला लूंगा। अगर मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ ना तो वहां आऊंगा। Shavi? Yeah, Shavi. Let's go. Okay. Please wait. Hello, sir. It's for you. Hello, sir. Yes, Shavi. I'm waiting for you. Okay, I'll be there. Hello. Hello. Hi, Mr. Prem. Nice to meet you. Shavi, समझ लो अभी वक्त नहीं आया खुलकर बात करने का, और जब वो वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुलकर सब कुछ बता दूंगा, बट नॉट नाउ। सर मुझे उस आदमी का नाम जानना है। कोची से आने के बाद अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे कोटेशन किसका दिया जा रहा है तो मैं परेशान रहूंगा। तुम जैसे गर्म खून वाले लड़कों को काम देने के लिए मशहूर है ये शहर जिसका नाम है बैंकॉक का पटाया शहर। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और तुम खुशी से इस पाप की दुनिया में अपना कदम रखने जा रहे हो। हर काम का एक तरीका होता है, वक्त पर सिखाऊंगा। Till then go berserk। फिर मैं तुम मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में चार्ज लेने वाले नए प्रोजेक्ट मैनेजर हो, और उसके लिए यहाँ पर ज्यादा इंटरेक्शन जरूरी नहीं है। Say nothing, hear nothing। तुम यहाँ किसी को मारने आए हो, अगर ये किसी को पता चल गया तो। Shavi, Kochi में your mother is alone। Oh, threat? बिल्कुल नहीं, don't worry। तुम्हें बस याद दिलाए, that's it। Ron, here are the papers. Have marked places where he has to sign. Shavi, इस पर साइन करो। जहां साइन करना है वहां मार्क किया हुआ है। Pen is inside। ये सब क्या है? It's just some formalities, man. Medical claim, work permit, residence permit, advance. All those routine stuff. Just that. Sign करो। हाँ Shavi, meet Prem from India. He's a systems manager. Prem, meet Shavi. He's a project manager, constructions. Shavi, Prem, hi. Both of you join me for a party tonight. Okay. Thanks. जैसा कि मैंने बताया था यहाँ ज्यादा मेल जोल नहीं, कम्युनिकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं। अगर कोई पूछे तो बताना मेरे नए सिस्टम्स मैनेजर हो। वो ठीक है, लेकिन अगर कल आपने यहाँ के किसी लीडर को उड़ाने के लिए बोला ना तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से उड़ जाऊंगा, समझ गए? वो शख्स कौन है तुम जानते हो? वक्त आने दो बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से लेकर आया हूँ तो ये जाहिर है कि इतनी आसानी से उड़ने भी नहीं दूंगा। सो जस्ट स्टे काम एंड कीप क्वाइट। सुजन। हाय राम। यू आर लुकिंग डैम हॉट बेब। आई एम ऑलवेज हॉट राम। हे आई एम प्रेम। या वी मेट। ये तो कमाल की लग रही है सर। ऐसा है क्या? यू अंडरस्टूड व्हाट ही सेड सुजन? तुम्हें क्या लगा नहीं समझूंगी? तुम्हें हिंदी आती है? The night is all yours, guys. Carry on. I'm so sorry. मैं नहीं जानता था कि तुम्हें हिंदी आती है। मैं जानती हूँ मुझे देखकर लोगों के मन में क्या ख्याल आता है कि मैं हूँ बहुत Bad.
हाय डूड। हाय। मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सका, तुमसे अपॉइंटमेंट लेने की सोच रहा था। हे, मैं राम मोहन के साथ यूएई में कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। कई दिनों से मुझे हेडक्वार्टर्स बुला रहा था एंड लास्ट वीक आई सेड यस। और तुम? मैं कोची में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रहा था, जब एक अच्छा ऑफर मिला तो सोचा क्यों ना एक्सेप्ट कर लूं। कोची में? मैं भी। हाँ, तुम भी कोची से हो क्या? नहीं, कोटे में, अब कुमराडन। वैसे आते समय मैं सोच रहा था कि किसी की कंपनी ना मिले तो मैं बोर हो जाऊंगा। अच्छा हो तुम मिल गए। मुझे ऑलरेडी कंपनी मिल चुकी है। Let me fix a drink. रुकेगा क्या? पहले जो बैग देखा था लगता है इसी का था। वेट, सावी, रुक। ये राम मोहन भी ना सस्पेंस आदमी है। मुझे कहा था कि यहाँ पर एक साथ ही देंगे। मैंने सोचा बैंकॉक की कोई लड़की होगी। आराम से, तुम ठीक हो ना? आराम से अंदर आ जाओ। अरे रे, लगता है तेरा नशा उतारने के लिए और पानी की जरूरत पड़ेगी। बहुत दारू पिया है लगता है। लगता है पहले कभी इतनी नहीं पी। तेरा नशा उतारने के लिए पूरी टांकी खाली करनी पड़ी। जल्दी से तैयार होकर आ जा। चावी, गुड मॉर्निंग। हेलो, वेक अप। ले कॉफी। थैंक्स। सुन, ये जो कॉफी है ना, अपनी तारीफ के लिए नहीं, मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है इसके लिए है। कल का एक दिन गुजर गया। इतनी पिएगा ना तो दिन गुजरेगा ही। भी बहुत पी ली थी, लेकिन राम मोहन एक पूरी बॉटल पी के भी एकदम सीधे खड़ा था, मानना पड़ेगा। तू ऑफिस कब जा रहा है? मुझे लेकर जाने के लिए किसी को भेजेंगे। ओ, मुझसे भी यही कहा है। पता है मुझे बहुत सारी कंपनियों से ऑफर मिल रहे हैं, पर ये राम मोहन मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं कि मैं उसकी परछाई हूँ, बताओ। तुम ऐसे लगते भी हो। नो, आई एम वेरी सिंपल। यार वैसे कल पार्टी में एक लड़की को देखा था, कौन थी वो? पता नहीं। क्या मस्त थी यार, मैं तो उसे ही देख रहा था। एक बार वो देखती ना तो पट जाती। मैंने सारी बातें सुन ली है। वर्कआउट होगा? मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, पर ये वर्कआउट करेगा। इसको देखो, क्या बॉडी है। कल तुमने ज्यादा पी ली थी, कोई तुम्हें गाड़ी में बिठा रहा था तब मैंने देखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, सो बोथ ऑफ यू गेट रेडी। तुम दोनों को रिस्पेक्टेड ऑफिस में ले जाने के लिए राम सर ने मुझे ही भेजा है। मैंने कहा था ना, जल्दी से रेडी होना। 5 मिनट्स। ओके। आपने बताया क्या राम सर क्या लगते हैं? मैंने बताया नहीं। ओ, नहीं बताया? हाँ। मुझे लगा बताया। हेलो, आई एम हिज ईएस। यस यस।
एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। ओह, अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। कैसा मुश्किल? ये काम ही बड़ा मुश्किल है। Hey. Hi. Sorry, I'm a bit late. Not a bit, almost by now. Oh, कितना ट्रैफिक है यहाँ पर? अगर कोची से कंपेयर करें तो कोची तो स्वर्ग है। So, what's next? कॉफी? कॉफी? इस वक्त? वो भी बैंकॉक में? इतनी खूबसूरत लड़की के सामने? Am I mad? I don't know. बताओ, कहाँ जाना चाहते हो? बताऊँ क्या? We'll go to some go-go park. सम पिकअप पॉइंट। अच्छा, तो तुम्हें भी मेरे साथ आना है? मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा साइट सीइंग करना चाहता हूँ। द डार्क अंडरवैली ऑफ बैंकॉक। ठीक है, लेकिन जरा उसे भी आने दो। कौन? शावी। उसको किसने बताया कि हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं? मैंने बताया। ओ बेटा, प्रेम। बोलिए। फिलहाल ये प्रेम अपने नाम तक ही रखो, इसे प्रेम प्यार मोहब्बत बिल्कुल ना समझो। फिलहाल के लिए ना। ये बात लॉन्ग टाइम के लिए याद रखो। हैव टू डील विद यू। हे शावी। हाय गाइस, लेट्स गो। सैमंथा, यहाँ खाने के लिए कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा क्या? इस दोपहर में थाई फूड के बारे में सोचकर ही मेरा सर घूम रहा है। तुम्हें इंडियन फूड चाहिए ना? थाई नहीं। तो भी ना, जैसा कि इसने कहा, बैंकॉक की डार्क अंडरवैली देखने चलते हैं। सर। Hey, let me call you back. Okay. तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो पता है वो कौन है? Sanctum Suite 7, Seacon Square. It's a shopping space. Go to coffee shop number 28, table 3. और वहाँ पर जो इंतजार कर रहा वही तुम्हारा असली टारगेट है। Exchange some pleasantries and hand him this iPad. Then quit the scene. Okay. वो कौन है ये जानने के बाद अपने प्लान पे काम शुरू करो। उसे एग्जीक्यूट कब करना है मैं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ओके, इट्स क्लियर। देन टेक ऑफ नाउ। से बात बन गई क्या? क्या हो गया तुझे? आईपैड तुम्हारे लिए, राम मोहन ने देने को कहा है। ए, अरे कहाँ जा रहा है? हेलो राम मोहन। सर, आईपैड में सिक्योरिटी कोड है 9149। ओपन द गैलरी, उसमें एक चेहरा है, वही तुम्हारा टारगेट है। जैसे तुम्हें खत्म करना है। Hello. I want to see you now. Okay, come. आखिर आपका इरादा क्या है? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? प्रेम को मरवाने से आपका क्या फायदा होने वाला है? Call it, Ravi. Call it. तुमने मुझसे जो सवाल किया है कि प्रेम ने मेरा क्या बिगाड़ा है, प्रेम को खत्म करवाने से मुझे क्या फायदा है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता।
Got it. सर, प्रेम पिछले 3 सालों से आपकी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत भरोसा करता आप पर। पहले तो उसको आपने यहाँ पर बुला लिया, हम दोनों को रहने के लिए भी एक ही रूम दिया, और अब आप बता रहे हैं कि वो मेरा टारगेट है। Don't you think it's weird, Mr. Ram Mohan? It's weird, Travi. मेरे सामने कई रास्ते हैं, काम के प्रति जुनून जो मुझे कामयाबी दिलाता है। They always work, Shavi. लेकिन सर, प्रेम मेरा दोस्त है सर। मैं जानता हूँ और मैं वही चाहता हूँ। तुम पर किसी को शक नहीं होगा और तुम उसे इस दुनिया से उठा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, वक्त मैं बताऊंगा। Till then, rock on. सर, जरा मेरी बात। No argument, Shavi. तुमने पैसों के लिए खुद ये काम अपने हाथ में लिया है, तुम अपने कदम पीछे नहीं ले सकते। अगर लिए तो मेरा जुनून और बढ़ेगा, दिस इज 100% श्योर। तुम साइलेंटली जाना चाहते हो तो इसका जवाब है तुम्हें ये करना है, और तुम सिर्फ इसके बारे में ही सोचो। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सो जस्ट क्लियर ऑफ, आई गॉट बेटर थिंग्स टू डू। तुम बहुत शार्प हो, इसलिए शॉर्ट में बताता हूं, तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हें जो पूछना था वो मैं बता चुका हूं। शावी, उसे मेरे लिए खत्म करना होगा। कब करना ये मैं बताऊंगा, तब तक जस्ट एंजॉय हिज कंपनी। आपको मुझसे और कुछ नहीं कहना है क्या? नहीं। उसे तो कोची में ही खत्म किया जा सकता था, फिर आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? ज्यादा सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, अब काम के लिए हाथ बढ़ाया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार किसी से इतनी गहरी दोस्ती हुई है। 1.5 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी कीमत है प्रेम। हाँ, वो तो है, पर शावी की जिंदगी की कीमत इतनी ज्यादा होगी ये मैंने नहीं सोचा था। ओके, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस, है ना? तो फिर अब मैं निकलता हूँ, कब करना है मुझे बता देना। दिस इज द प्लेस, द वेरी हार्ट ऑफ बैंकॉक। वैसे ये हेलीपैड 12th फ्लोर पर है, यही है रामसर का प्लान। प्लान की ब्लूप्रिंट और बाकी डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है, इसका एग्जीक्यूशन तुम्हें करना है। श्योर। योर फर्स्ट मेजर असाइनमेंट हियर। इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। हाय प्रेम। हे प्रेम, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मणियप्पन, हाँ ओके, उससे कहना मुझे फोन करे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, गुड नाइट। कौन थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नो मम्मा, वो वहाँ अकेली रहती हैं। लगता है अपनी मम्मा के लाड ले हो। हाँ इस दुनिया में सब कुछ मेरी माँ ही है।
That's sweet. वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझसे प्यार करने लगे हो. ऐसा कुछ नहीं है. फिलहाल मेरी माँ और मेरे बीच में तीसरे के लिए जगह नहीं है. कोई जगह नहीं है? नहीं है. बस आता ही होगा. वैसे काम कैसा चल रहा है? आई होप सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा हो. या मेक श्योर देयर इज नेवर अ रॉन्ग मूव. प्रेम और शावी को तुम पर जरा भी शक ना हो इस बात का ख्याल रखना. नहीं होगा. सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है. वो दोनों भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं. सो द प्लान इज वर्किंग. सुजन, the plan is working. Take time. इस खेल में यही मेजर प्लेयर है. ये हमें नहीं हराएगी. नाना सामंत है. ये शहर हमेशा यही रहेगा, मेरे पैरों के नीचे. एंड राम मोहन विल सर्वाइव. हाय. हाय. क्या बात है, मुझे इतना अर्जेंट बुलाया? बस तुमसे अकेले मिलना चाहता था. देखो तुम सीधे टॉपिक पर आ जाओ. ठीक है, टॉपिक तो राम मोहन का ही है. मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो राज है. What is he up to these days? Any idea? प्रेम, मुझे ऐसे सवाल पसंद नहीं. Never discuss one's employer in his absence. That's my policy. Okay, ऐसा है तो मत बताओ. Can we have a coffee together? Sorry, मेरे पास टाइम नहीं है. मुझे एयरपोर्ट जाना है. किस लिए? Are you going somewhere? No. मुझे किसी को पिक करना है. कौन है वो? That is a suspense and a surprise. Oh, तो फिर मैं यहीं उतर जाता हूँ. Driver, stop the car. Okay. और हाँ, मुझे एक बात बताना है. क्या? तुम्हें देखकर मुझे तुम पे क्रश आ रहा है. चलो हटो. सुनो लड़की, यहाँ कम कपड़े पहनने का नियम है क्या? लड़की, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही हो क्या? दिखाई नहीं देता, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ. अरे मेरा नाम भी मणियप्पन है, इसीलिए मैंने पूछ लिया. हाँ, मैं तुम्हें ही पिकअप करने आई हूँ. पिकअप करने? यहाँ उतरते ही पिकअप हो गया. गलत नहीं है, जो लोग बैंकॉक के बारे में बोलते हैं वो गलत नहीं है. लेट्स गो. लेट्स मूव. हाय, आई एम समांथा. ये बैंकॉक काफी खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा. कोची से भी खूबसूरत है ये. मैं मणियप्पन हूँ, शावी का जिगरी दोस्त हूँ मैं. मेरे यहाँ पहुँचते ही फोन करने के लिए कहा था माने, शावी की माने. तो बात करो. फोन? तुम्हें मेरा फोन चाहिए? लो बात करो. तुम ही मिला कर दे दो ना. हेलो मम्मी. मणि, तुम पहुँच गए? हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ.
नहीं अभी मैं उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन मिलने जा रहा हूँ। मम्मी तुम टेंशन एकदम मत लो, मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ ना। तुम वहाँ पे कोई अच्छा काम ढूंढ लेना और शावी पर भी नजर रखना, और सुनो खाने पीने पर कंट्रोल रखना, वजन बढ़ गया ना इसलिए। ठीक है मम्मी। जरा देना। हेलो। हाय मम्मा, आई एम समांथा। नो नो नो, मैं शावी के साथ काम करती हूँ। हेलो, आजकल तो तू मिलता ही नहीं है, इतना कहाँ बिजी हो गया है? हे, आजकल काम कुछ ज्यादा है। कैसा काम? तुम क्या सोच रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो बस तेरी टांग खींच रहा हूँ। तू हर दिन राम मोहन से मिलता है क्या? तुम नहीं मिलते क्या? हाँ मिलता हूँ, वैसे उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? Never discuss one's employer in his absence. ये मेरी पॉलिसी है। ये सिर्फ तेरी पॉलिसी नहीं है। तू और समांथा बहुत क्लोज हो रहे हो, ये देखकर मुझे तुझे मारने का मन करता है। और मुझे लग रहा है कि मैं तुझे अभी यहीं पर मार दूं। हाय। हे। मणि अपन को थोड़ा घुमाने ले गई थी, वैसे हम दोनों ने डिनर कर लिया है। भाई यहाँ के खाने का तो कोई जवाब नहीं है, और ये शहर भी लाजवाब है, लेकिन यहाँ पर एक ही तकलीफ है, रोड पर जो भी मिल रहा है कह रहा है बुम बुम चाहिए क्या बुम बुम। मैंने इस लड़की से पूछा कि वो कोई खाने की चीज है, तो ये लड़की भी नहीं बता रही है मुझे कि ये क्या है। तो यही है क्या वो आइटम जो लैंड हुआ है? हाँ। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? कोच्चि। ओहो, आ जाओ, बूम बूम का मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है। अरे बाप रे, ओए शावी, तेरा ये दोस्त बहुत ही गंदी बात कर रहा है मुझसे। हे, कम क्लोजर, कम। ऐसे पानी में क्यों पड़े रहते हो, अच्छा लगता है क्या? वैसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसे पूल में हॉट चिक्स के साथ दो पैग मारना, ट्यूब में लेट कर फ्लर्ट करना, उन्हें प्रपोज करना, वैसे ये मेरी कमजोरी भी है। एक्चुअली मैं बचपन से अभी तक गांव में ही रहा हूँ, पर फिर भी मुझे तैरना नहीं आता। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। भाई कहाँ खो गया? बस ऐसे ही सोच रहा था कि क्या वही जो तुमने भी बोला, एक दिन हम दोनों को पूल में बैठकर ड्रिंक करना चाहिए। बस इतना ही ना, जब दिल कहे कह देना, बैठ जाएंगे, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता यार। डरो मत, तैरना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हाँ, that's a good boy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Guys, it's a huge surprise. अरे शावी, मोमबत्ती में फूको। Hey, no. Wait. हमेशा लोग बर्थडे को कैंडल बुझाते हैं, पर शावी, on this birthday, we'll do something different. Light a candle. Okay. Now you cut the cake. Many more happy returns of the day. Thank you. आगे भी तुझे बहुत सारे birthdays मनाने हैं। तुम्हें भी।
आज मेरा बर्थडे है, इसको कैसे पता चला? तूने बताया क्या? अरे मुझ में इतना टैलेंट कहाँ है कि मैं ये सब याद रखूं? ये सब इस लड़की का कमाल है, तुम्हारी मम्मी से पूछकर इसने सब पता कर लिया। शावी की हर जरूरत को पूरी करने की जिम्मेदारी माँ ने मुझे सौंपी है। सरप्राइज, शावी का पसंदीदा, योर मम्मा स्पेशल। जानते हो, जब भी हम इस फल को उगाने की कोशिश करते हैं तो सारा खेत बिगड़ जाता है। जब भी मैं इसे मिलने के लिए इसके घर जाता हूँ ना, तो इसकी मम्मी बासी खाने के साथ थोड़ा सा ये फल काट कर रख देती है मेरे सामने। मेरा मोटापा देख रहे हो ना, इसकी वजह है इस तरह का खाना। तेरे मोटापे की वजह तो पता चल गई, लेकिन इसकी अकल कम है, उसका क्या करें? हमें जिम जाना होगा। इस डिश का नाम क्या है? ये इट्स अ काइंड ऑफ पोरिज, लेकिन मेरी मम्मी का कहना है कि इट्स अ डिश ऑफ लव। अपने बर्थडे पर माँ से बात नहीं की? नहीं, थैंक्स, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आहा, क्या बात है, ये बाहर से टफ दिखने वाला ही मैन अंदर से काफी सॉफ्ट है, चार्मिंग। तो अब जरा फिर से सोच कर देखो, तुम्हारे और माँ के बीच कोई तीसरा नहीं है? हाँ, शावी, जहाँ जाने के लिए आज कहा था वहाँ नहीं जाना है, ठीक है? ब्रेक। क्यों सर, क्या बात है? बात है, काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है, तुम उसके बारे में सोचो, कब और कैसे, इट्स योर कॉल, लेकिन वक्त क्या होगा ये मैं बताऊंगा, इट्स माय कॉल। मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो होगी, क्योंकि तुम्हारे बीच नजदीकियाँ ज्यादा बढ़ गई हैं, एंड इट्स अ पिटी दैट यू हैव नो चॉइस, सो कैच यू सून। Live it up. I got to see someone. Hey, take your hands off. क्या कर रहे हो सर? वो लोग कौन थे? कौन?
जिन लोगों ने आप पर अटैक किया था। अच्छा वो लोग, ये कोची नहीं बैंकॉक है। यहाँ बड़े कारोबारियों पर अक्सर ऐसे अटैक होते रहते हैं शावी। सर आपने पुलिस को बताया क्या? नहीं। सर आप असल में हैं कौन? आपके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम को मेरे हाथों मरवाने के अलावा आपके दिमाग में और कोई प्लान तो नहीं चल रहा? डोंट क्रॉस लिमिट्स शावी। जो काम तुम्हें दिया है चुपचाप उसे करो। आज मैंने जो आपको बचाया ये काम भी आपने सौंपा था क्या? मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था। जाओ और जस्ट वेट फॉर माई कॉल। प्रेम को दुनिया से उठाने का कॉल। गो। I thought you wouldn't come. काफी दिन हो गए, ना कॉल किया ना टेक्स्ट किया। Kind of chasing me like crazy. क्या बात है ये जानने के लिए आई थी? Come, let's sit. Hey Susan, come on. Let's go somewhere else. कोई ऐसी जगह जहाँ हमें कोई disturb ना करे। Man, that's bland. तुम ही बताओ कहाँ जाना है? Wherever you say. Okay, my apartment is fine. Fine, I mean perfect. Let's go. Welcome to my den. Den? You have got quite a place, darling. Wow. Want a drink? Not a drink. Then what? Hey, you. That's fast. Yeah. I'm pretty fast, darling. Okay. Give me a minute, honey. Let me have a wash. Cool. Hey, Shavi, wake up. देखो मैं क्या लाई हूँ? तुम्हारी favorite dish. Hey, क्या बात है? कुछ नहीं. Oh, come on. बताओ भी. मम्मा hospitalized है. क्या हुआ? शुगर डाउन होने की वजह से चक्कर खाकर गिर गई थी। मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ सामंथा। I miss her a lot. And I'm feeling heavy. मैं तुम्हें अपनी माँ की जगह पर रखकर देख सकता हूँ क्या? I want to say you something. मैं यहाँ पर राम मोहन का एम्प्लॉय बनकर नहीं आया हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है। एक आदमी को जान से मारना है पैसे के लिए, वो भी अपने प्रेम को। बट आई कांट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। मेरी एक हिस्ट्री है जो सुनने में अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। राम मोहन ने साजिश करके मुझे फंसाया। बेमन से जब मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया उस वक्त मेरे दिमाग में कई बातें चल रही थी। राम मोहन के जरिए मैं यहाँ कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और इन सारी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर अपनी मम्मा के साथ रहूंगा। ये मेरा कन्फेशन नहीं है, मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं, इसलिए बता रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल से कोई बोझ उतर गया है। आई फील रिलीव्ड। ओह, डिश ऑफ लव। It's poison. शावी, तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ है, उसी तरह मेरे लिए सब कुछ मेरे पापा है। इस वक्त वो यूएई की जेल में है। एक मर्डर केस के इल्जाम में बहुत ही कठोर सजा भुगत रहे हैं मेरे पापा। अगर मेरे पापा को उस सजा से बचाना है तो जिसका मर्डर हुआ है उसके परिवार को $1 million मुआवजे के तौर पर देना है। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, और उसी दौरान मेरी मुलाकात राम मोहन से हुई थी। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे यूएई से बैंकॉक बुलाया। मुझे जितने पैसे की जरूरत थी उतना पैसा देने का मुझे वादा किया, और बदले में मुझे एक इंसान को मारना होगा। मैंने कहा था ना समंथा, दिस इज अ फेयर डील। तुम्हें पैसों की जरूरत है अपने पापा को जेल से आजाद कराने के लिए।
और मुझे चाहिए तुम जिसे जानती नहीं हो, जिससे कभी मिली नहीं हो, उसकी मौत। तुम मेरे लिए काम करोगी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अग्रीड? अग्रीड। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लाना और तुम दोनों में से किसी एक को मारना है। और कल उन्होंने मुझे बताया कि मेरा टारगेट तुम हो शावी। मुझे सब कुछ बता दिया गया था कि मेरे हाथों शावी को मरवा कर खून का इल्जाम प्रेम के सर डालने का सारा इंतजाम हो चुका है। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर द बिट्रे। बिट्रे जो तुमने किया वही मैंने भी किया, सो प्लीज डोंट से सॉरी। राम मोहन का इसके पीछे बहुत बड़ा गेम प्लान लगता है। तुम्हारा टारगेट हम दोनों में से एक है और मेरा टारगेट प्रेम। और प्रेम का? मैं, मुझे ऐसा शक है, लेकिन क्यों ये जानना जरूरी है। राम मोहन, उसकी असलियत क्या है? हमें प्रेम से मिलना होगा, उससे मिलकर हमें सारी बातें खुलकर बतानी होगी। हाँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं दो दिन से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर आप तो फोन ही नहीं उठा रहे हो। मैं बहुत बिजी था और इस वक्त भी हूँ। ठीक है सर, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है मैं कह देता हूँ। मुझे इस जगह से नफरत हो रही है। आपने जो काम दिया है वो करके मैं पैसे लेकर चला जाऊंगा। मैं शावी को मारने जा रहा हूँ कल। कल सुबह 10 बजे वो सदमसम 3 में आने वाला है, वहाँ उसका एक एक्सीडेंट होगा। आप मेरे पैसे तैयार रखना। फैसला तुम्हें करना है और वक्त मैं बताऊंगा। आप वेट क्यों कर रहे हो सर? आपने शावी के नाम जो इंश्योरेंस पे अपने आप को नॉमिनी बनाया है वो 40 मिलियन थाई बात, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ इंडियन रुपीस। इंश्योरेंस वैल्यू खत्म हुए 42 घंटे हो चुके हैं, अभी वेट करना है। प्रेम के नाम पर भी वही वैल्यू है सर, अपने आप को नॉमिनी बनाकर इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को इस दुनिया से उठा देंगे तो 7 करोड़ रुपए आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको मानना पड़ेगा सर। क्या बात है सर का ये प्लान, और इस रिक्यूरेट के बारे में कोई तीसरा भी हमारी बात सुन रहा है। ये क्राइम प्लान बहुत ही पुराना और घटिया लग रहा है। हम जैसे न्यू जनरेशन के साथ ये वर्कआउट नहीं होने वाला है। आपके हर प्लान में आपका साथ देकर प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली इंश्योरेंस कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव सुजन डिसिल्वा, उसको मैंने बाटली में उतार दिया है। वेलकम टू माय डेन। गिव मी अ मिनट हनी, लेट मी हैव अ वॉश। कूल। सर के मास्टर प्लान की कॉपी तो मैंने कॉपी कर ली है। सर आपने हमारे लिए जो प्लान किया है कहो तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी इतने शरीफ नहीं है, लेकिन आपने इसके साथ जो किया उसके लिए आपको माफी नहीं है सर। इसलिए इसके पापा को डेथ सेंटेंस से रिलीज कराने के लिए आपको $1 million देना है कल दोपहर से पहले। कल दोपहर से पहले? नहीं तो कल सुबह ये पुलिस के हाथों लग जाएगा एंड यू आर फिनिश्ड। $1 million। अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो मुझे ये गेम प्लान करने की जरूरत क्या थी। जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा नहीं करता प्रेम। तुम्हारे नाम पर जो पॉलिसी है, मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा कि उस पॉलिसी की वैल्यू कितनी है। अगर 40 मिलियन मेरे पास होते तो मेरी बीवी को किसी के पास कैद रहने की जरूरत नहीं होती। आई डिड ऑल दिस फॉर हर, जस्ट फॉर हर, my wife।
समीरा राममोहन। अभी वो बैंकॉक के बहुत ही ज्यादा बड़े मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस के हेड अल्बर्ट लॉरेंस की हॉस्टेज है। यकीन नहीं हो रहा ना? जस्ट लिसन, मेरी जिंदगी में वो हवा के झोंके की तरह आई थी, समीरा। उसके आने से मेरी जिंदगी के मायने बदल गए। शी मेंट एवरीथिंग टू मी। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का तय कर रखा था। बिजनेस में जब कभी मुझे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती थी, तब मैं जिससे मदद लेता था वो है अल्बर्ट लॉरेंस। बैंकॉक में बड़े पैमाने पर जाली नोटों का कारोबार करता है और वो हवाला का भी काम करता है। मैं कर्ज के बोझ तले दब चुका था, मेरा सब कुछ उसके पास था। मुझे लगने लगा था कि मेरी गर्दन अल्बर्ट के हाथ में है। I've brought everything, every single document you ask for. Yeah, great, thanks man. आज हमारा सारा हिसाब किताब पूरा हो चुका है अल्बर्ट। मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में है, मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ। तुम चाहो तो पढ़ लो। तुम्हारा कर्ज अभी पूरा नहीं हुआ है राम, और कर्ज है तुम्हारे पर। You have to pay me that man. You still owe me money, man. What is saying? 40 million Thai baht. You have to pay me more. Albert, I have handed over assets worth 1200 million. Why can't you waive this small amount? Small amount? No, my dear friend. मैं एक businessman हूँ। पिछले 5 सालों से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। हमारे बीच जब हिसाब किताब चुकता हो तो सब बराबर हो जाएगा। Until then, you have to pay me, man. Okay. Give me some time to settle it. Say, 6 months. Take your time, buddy. तुम मेरे दोस्त हो। तुमने अपना बिजनेस जो मुझे सौंपा है, वो मेरी जगह पर तुम्हें 6 महीने तक कंटिन्यू करना है। उससे जो पैसा कमाओगे, उससे तुम मेरा कर्जा चुका सकते। That's one of the way. Thanks, Albert. But I need some security for the money you owe me. अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, Albert. Everything is with you. Who said you have nothing? How about your pretty wife? You son of a bitch! I'm taking your wife along. मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा। Save me! Save me! Albert, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। समीरा को छोड़ दो, please. डरो मत राम, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें 6 महीने की मोहलत दी है ना? अगर इस बीच तुमने पैसा नहीं चुकाया, तो तुम्हें इसे भूलना होगा। अल्बर्ट, प्लीज, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल जाने के बाद भी मैं कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन जब समीरा मुझसे दूर हुई तो मैं पूरी तरह से टूट गया। आत्महत्या का ख्याल आया, लेकिन उसे छोड़कर जाने का मन नहीं किया। मैंने अल्बर्ट का पैसा चुकाने के लिए तुम सबको मोहरा बनाकर एक गेम प्लान किया। सो दैट्स इट गाइस। जहां अपना सब कुछ खोया, वहां जाना नहीं चाहता था। अगर मैं गया भी तो मेरे साथ समीरा होनी चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर वो सच है तो मैं एक और आदमी को मारने के लिए तैयार हूं। सच है, मैंने जो कहा वो सच है। याद है उस दिन जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, वो अल्बर्ट के आदमी थे। शावी, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल ज्वाइन यू आफ्टर सम टाइम। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत है? वो जो भी कह रहा है उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो सब साजिश हो सकती है। जानता हूं, लेकिन अभी उसने जो कुछ कहा वो सब सच है। उसकी बीवी अल्बर्ट की हॉस्टेज है। He gave me some proof. इस सीडी में हॉस्टेज समीरा राममोहन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इसमें उसकी आवाज भी रिकॉर्ड की गई है। चाहे कुछ भी हो प्रेम, उसने हमारे साथ क्या किया पता है ना? वो हमें आपस में मरवाना चाहता था। मुझे मारने के बारे में तुमने नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हुआ, पैसों के लिए। जिंदगी में पहली बार किसी से रिश्ता बना है, और वो तुम हो, और ये है। अपने बाप को बचाने के लिए हम में से एक को मारने के लिए तैयार हुई है समांता। ये भी मुझे बहुत पसंद है, एंड यू नो दैट। इसका मतलब तुम हमें शोले के जय वीरू की तरह मत देखो। मैं इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूं। सो
He is there for you. Hey, Prem. Cut the crap. Prem, I'm not interested in relationships. मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं और उनको मैं कैसे सॉल्व करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें सारी मुश्किलें खत्म करके वापस लौटना होगा, लेकिन हमारा कुछ भी नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर इसका इसकी मुश्किल दूर करने के लिए पैसों की जरूरत है। यस, मैं राम मोहन से इसी के बारे में बात कर रहा था। हम दोनों राम मोहन के हायर्ड किलर्स बन के आए थे, अभी कहानी वही है, पर अभी हमारा टारगेट है डॉन एल्बर्ट जैक्सन। अगर हम एल्बर्ट को खत्म करेंगे तो राम मोहन को उसका सब कुछ मिल जाएगा, और इस मिशन के अंत में राम मोहन को उसकी बीवी भी मिल जाएगी, एंड ही विल डू एनीथिंग फॉर अस। इसके जरूरत के पैसे भी वो दे देगा। अच्छा, बाद में वो जुबान से मुकर गए तो ठीक है, इस बार राम मोहन कोई साजिश नहीं कर पाएगा, उसे मैं संभाल लूंगा। ये सब करने के लिए तैयार है हम, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमने जो प्लान किया है वो कभी भी बिगड़ सकता है। नहीं, नहीं बिगड़ेगा। नो, द थिंग इज दैट बोथ ऑफ देम आर सो जेन्युइन। शावी और प्रेम को मुझसे इतनी हमदर्दी है कि वो दोनों एल्बर्ट से टकराने जा रहे हैं। Does it shock you? मुझे नहीं पता। I'm sorry. Everything is going to be all right. Come to my car, baby. Okay. Come. Where is Albert? I want him. Okay. Get inside. Samantha. Hello. I'm sending you a consignment of $100 million. Ask your men to collect the consignment across the border. Albert, help me. Hey, don't kill me. Kid, where is Samira? Samira? Oh, you are Ram Mohan's man. Tell me, where is Samira? Don't scare me. I will tell you. Ram Mohan is an idiot. He thinks he will get his wife back by sending a kid like you. So, you want to call your mom before a blast? Go, go, go!
Where is Samira? You better say it. Prem. I will tell you where she is. Don't shoot me. समीरा कहाँ है? Don't move. सर पता है आपके क्लाइमैक्स में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है. एल्बर्ट की तरफ से कोई खतरा ही नहीं है. ही इज फिनिश्ड. सो अब आपकी सारी जायदाद आपकी हो गई. लेकिन आपके ऊपर हमें जरा भी विश्वास नहीं है. आप सैमंथा को जो पैसा देने वाले थे वो यहीं दे दीजिए. बाद में हम आपकी बीवी को छोड़ देंगे. ओके, आई साइन द चेक राइट अवे. राइट अ कैश चेक. Give it to Samantha. Samantha. इन लोगों का हिसाब क्लियर हो गया. अब हमारी डील बाकी है. और क्या डील बाकी है? बैंकॉक में इतना बड़ा रिस्क लेकर एक डॉन को ठोकने के बाद हम लोग हाथ हिलाते हुए वापस जा सकते हैं क्या? हम लोगों को भी $50 million के दो चेक चाहिए. प्रेम, डोंट टेस्ट माय पेशेंस. पहले समीरा को छोड़ दो, बाकी बातें बाद में करेंगे. कमांड देने का हक अभी आपके पास नहीं है सर. लीव हर शावी. सैमंथा. आई सेड लीव हर शावी. समीरा गो गो. हेय यू समंता, हम लोग जो इस वक्त डील की बात कर रहे थे उससे तुमने क्या समझा? तुम्हारा असली चेहरा देखना था. अगले 5 मिनट में हम राम सर के पास होंगे. अपना फोन दीजिए ना. या मुझे लगता है अभी आप राम सर से बात करेंगी तो उनसे मिलने का एक्साइटमेंट कम हो जाएगा. इंतजार शब्द जो है वो बहुत रोमांटिक होता है. मुझे समंथा से बात करनी है. समंथा.
हाँ वो मेरी सौतन है। इस दुनिया में वही एक मेरी रिश्तेदार है, वो यूएई में काम करती है। अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो उसे टेंशन होगी। क्या क्या हुआ? सो हमें पता चल गया कि आपने जो कहानी लिखी है वो कोई पुरानी क्राइम स्टोरी नहीं है, एक नया राइटर है जो हमारे सामने खड़ा है। और इस कहानी में एक अहम कैरेक्टर ये भी है। राइट यू आर। ये काम खत्म होने के बाद जो माहौल बना है वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, मुझे पता था। बाकी जो सोचा था प्लान वैसे ही हुआ। जब समीरा अल्बर्ट के हॉस्टेज में थी तो उस वक्त मेरे सामने सारे रास्ते बंद थे। बैंकॉक में उसका साम्राज्य था, मैं उसको किसी भी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा था। इस बार मैंने यूएई की सामंथा को सब कुछ बता दिया। हम दोनों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला। अंत में मैंने एक मास्टर प्लान बनाया। मुझे ऐसे दो खतरनाक लोगों की जरूरत थी जिन्हें बैंकॉक में कोई नहीं पहचानता हो। बैंकॉक के किसी आदमी को अगर मैं ये काम सौंपता तो उसे अल्बर्ट पहचान लेता, ये मैं जानता था। तो मैंने इंडिया के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर पॉल को इस बारे में बताया। उसने ही मेरे लिए तुम दोनों को रिक्रूट किया था। यहाँ तक हम जो आए हैं वो आपकी पहले लिखी हुई कहानी के कैरेक्टर है। यस, तुम लोगों को मोहरा बनाकर इंश्योरेंस के पैसे निकाल सकता हूँ, ये तुम लोगों ने पता किया, ऐसा माहौल बनाया। तुम लोगों ने सोचा कि तुमने बड़ा तीर मार लिया, और मेरे ख्याल से तुमने गलत नहीं सोचा। सूजन को मैंने ये प्लान बताया था, उसने वही किया जो मैंने कहा। लुक सूजन, प्रेम एक फ्लर्ट है, तुम उसके करीब जाकर उसे अपने जाल में फंसाओ। डन। और समंथा ने इंटेंस इमोशनल बनावटी कहानी शावी को बताई। जब हमारे बीच कन्फ्रंट हो रहा था तब मैंने कहा था कि जब तुम समीरा को वापस लाओगे तो मैं पैसा दूंगा। मेरी इस पटकथा में इमोशनल एलिमेंट है समंथा। तुम जैसे लड़के अगर कोई रिस्क ले सकते हैं तो वो सिर्फ ऐसी खूबसूरत लड़की की वजह से ही ले सकते हैं, दूसरी और कोई वजह नहीं हो सकती। इसके पिताजी जेल में सड़ रहे हैं, ये सेंटिमेंटल कहानी सुनकर तुम इसके जाल में फंस गए। जिससे प्यार हो अगर वो लड़की मुसीबत में हो तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात मर्दों के डीएनए में होती है और मैं भी वैसा ही हूं। ये जो खड़ी है ना वहां पर, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सो शावी, प्रेम जो हुआ सो हुआ। अगर समंथा ने तुम लोगों को अपने जाल में फंसाया तो सिर्फ अपनी सौतन को बचाने के लिए और कुछ नहीं। मैंने जो पटकथा लिखी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर इसमें तुम लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग है और तुम लोग इसके साथ बहुत ही जेन्यून हो, ये मैं समझ गया हूँ। मैंने जो चेक दिया है विड्रॉ कर सकते हो और समंथा को माफ कर दो इसके लिए। यू कैन स्टिल बी फ्रेंड्स। चेक। किसको चाहिए ये चेक? तुम्हारी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुमने जो प्यार के नाम पे इसे धोखा दिया है, तुम्हारे जैसी लड़की और ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए। चल भाई। शावी, Get lost. अरे लेकिन चेक फाड़ने की क्या जरूरत थी? चेक किसने फाड़ा? वो तो मैंने उनके सामने नाटक किया था। ये देखो ये रहा। हमने जहाँ पर अल्बर्ट को मारा है वहाँ $10,000 हमारा इंतजार कर रहा है। लड़कियाँ बड़ी चीज नहीं होती, एक गई तो 100 आ जाती है, बट मनी मैटर्स। डोंट फील लॉस्ट, ये सब उसका नाटक है। उसको अपने जाल में फंसाने की दवा अब भी तुम्हारे पास है। गो चेज़।